हेलो फ्रेंड्स, अगम इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, फोनेटिक कंप्लीट होने के बाद में टीचिंग मेथड्स अपन करेंगे जो लाइव करेंगे। आपके जो क्वेश्चंस जो हैं वो ऑन द स्पॉट जो है वो आपको उनका आंसर मिल सके। तो देखिए, एक तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। जब तक आप वीडियो को लास्ट तक नहीं देखोगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है। और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो इससे पहले अपन वॉल साउंड्स कर चुके थे और आज जिनकी अपन शुरुआत करने जा रहे हैं वो है कॉन्सनेंट। कॉन्सनेंट, ठीक है, कॉन्सोनेंट ने बोल के कॉन्सनेंट, कॉन्सनेंट, क्लियर। और कॉन्सनेंट की जब अपन बात की थी तो हालांकि इसके टाइप्स अपन चर्चा कर चुके हैं तो दोबारा उसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहला जो कॉन्सनेंट के अंदर जो आ रहा है वो आ रहा है पी। पी जो है ये पै का साउंड देता है, बी बै का साउंड देता है और टी टै का साउंड देता है। अब देखिए, वो कौन कौन से लेटर्स जो हैं जो पै का साउंड देंगे, वो कौन कौन से लेटर हैं जो टै का साउंड देंगे, वो कौन कौन से लेटर हैं जो बै का साउंड देंगे, चलिए देखते हैं। अब देखिए, एक तो पी जो है ये खुद पै का साउंड देता है और पी एच भी पै का साउंड देगा। पी एच भी यदि पै का साउंड दे रहा है और पी भी पै का साउंड दे रहा है तो आप फोनेटिक सिंबल जो है वो पी यूज करोगे। फिर उसके बाद में आता है बी, बी बै और बी और बी भी सिंगल बै का ही साउंड देगा। हमेशा इन डबल वर्ड जो एक बार लिखे जाते हैं फोनेटिक में, टी ट टी टी भी ट का साउंड देता है, टी एच भी ट का साउंड देता है, टी एच, ई डी, ध्यान रखना ई डी, ई डी जो है वो ट का साउंड देगा। अपन बोलते हैं ना एल ओ ओ के ई डी तो लोग इसे लुक्ड बोलते हैं, लुक्ड, है ना, लुक्ड, नॉट ए लुक्ड। जो ई डी जो है ये साउंड किसका दे रहा है, यहां ट का साउंड देगा तो इसका प्रोनाउंसिएशन जो होगा वो लुक्ड होगा, लुक्ड, नॉट ए लुक्ड, क्लियर। तो ई डी जो है ये भी किसका साउंड देता है, ट का साउंड। और फिर है पी टी, ठीक है, पी ओ टी किसका साउंड दे, ट का। तो सबसे पहले अपन जब फोनेटिक सिंबल की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला आता है पैट। पहला कौन सा है, पैट। अब देखिए, पैट की जब अपन बात करें तो ये इसका हिंदी लिखा गया पैट, है ना। और असल में क्या है, ये पै है, फिर ए का साउंड है और फिर ट है, क्लियर। प के लिए पी, अ है, ई और टी के लिए ट, पैट। हिंदी लिख लीजिएगा स्पॉइल, स प ओई और ल, स्पॉइल, है ना। स के लिए एस, पी के लिए प, ओई आपको पता है रिवर्स उल्टा सी और आई, और एल के लिए ल, स्पॉइल, क्लियर। गैप, है ना, गैप कैसे लिखोगे, गैप यही है, यानी कि गै है आपके पास, फिर ए की मात्रा है और फिर प है। और आपको ये बताया हुआ है कि जब ए फॉर एप्पल ए का साउंड देता है तो अपन इस सिंबल का यूज करते हैं ए का। तो फोनेटिक अपना जो फोनेटिक जो होगा वो क्या हो जाएगा, गैप, क्लियर। उसके बाद में इसे शेफर्ड नहीं पढ़ते, शेपर्ड, क्या पढ़ते हैं, शेपर्ड। तो शेपर्ड, श प और ड, शेपर्ड, ध्यान रखना शेपर्ड, नॉट ए शेफर्ड, है ना, फेलो शेफर्ड, नॉट ए फेलो शेफर्ड, है ना, फेलो शेपर्ड, क्लियर। उसके बाद में आता ब, बन, अबव और ग्लोब। अब देखिए, यू ए का साउंड दे रहा है तो अपने को पता है रिवर वी का यूज करना, बन, क्लियर। फिर आता है अबव, और अबव की अपन बात करें, अबव देखो ए और ब व, अबव, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए, ए फॉर एप्पल ए का साउंड दे रहा है तो उसके अंदर आपको बताया हुआ वॉल साउंड के अंदर रिवर्स सिक्स का यूज करोगे ए, फिर आप क्या कर रहे हो, ब, अब,
अब देखो ओ ए का साउंड दे रहा है, किसका साउंड दे रहा है, ओ ए का साउंड दे रहा है, सॉरी अब हमें ए का साउंड दे रहा है। और ये बताया हुआ जब ओ ए का साउंड देता है ना तो अपन सिंबल जो है वो रिवर्ब भी यूज करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा अब व, ये इसका फनेटिक हो जाएगा अब, क्लियर। फिर आता है ग्लोब, 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 ठीक है, डिफथोंग आएगी ग्लोब के अंदर, गैल है ये ओ और ब, ग्लोब ध्यान रखना, ग्लोब, ग्लोब, ठीक है। उसके बाद में अपन बात की थी बीबी की, और बीबी के अंदर रब, रब, देखो यू ए का साउंड दे रहा है, यहां भी ए का साउंड दे रहा था, तो आर और ब और रब, क्योंकि आर जो है वो क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा, रब नोट ए रबर, ठीक है रबर। उसके बाद में टी, किसका साउंड दे, टै का, देखिए यहां भी टी दे रखा है, यहां भी टी दे रखा है और यहां भी टी दे रखा है, और टी साउंड किसका देता है, टै का देता है, क्लियर। अब देखिए सबसे पहले इसके अंदर दे रखा है टॉक, है ना, ए फॉर एप्पल, ओ का साउंड, रिवर सी और विसर्ग, है ना, तो टै ओ और क, टॉक, एक्टिव, क्या है एक्टिव, तो ए कै टै ई और व, एक्टिव यही है ना। तो ए के लिए क्या लगाओगे, रिवर सिक्स अ, ये अनस्ट्रेस्ड रहता है ये आपको पता ही है, एक फिट है और आई और वी, एक्टिव, क्लियर। सेंट, सेंट डिफथोंग है सेंट में, ठीक है, सेंट ए आई ए का साउंड दे रहा है, सेंट, क्लियर है। उसके बाद में टी टी, डबल टी नहीं बोलते, और टीटी की जब अपन बात करेंगे तो टीटी के अंदर सिंगल है लेटर, लेटर प्रोनंसिएशन है इसका या लेटर प्रोनंसिएशन है, लेटर है ना, लेटर, लेटर, बॉटल, बोतल नहीं है ना, बोतल दे दियो, नोट ए बोतल, बॉटल, ठीक है, क्योंकि बोला कैसे जाता है ये बताया हुआ है कि प और ब, है ना, प और ब किससे बोले जाते हैं, बाइलेबियल है, प ब, ठीक है, बो, बो आपने कर दिया तो इट मींस आप मुंह को राउंड कर रहे हो, साइड में होठों को दबा रहे हो, तो ब बोलना है ना इसको, तो लिप से बोला जाएगा बो, है ना, बोटल, बोटल, लिप स्ट्रेट रखने, बोटल, क्लियर, बो टल नोट ए बोतल, ठीक है बॉटल। उसके बाद में टी एच, इसे थैम्स नहीं पढ़ेंगे, टैम्स, और ये थॉम्स नहीं है, टॉम्स है, क्लियर है, क्या है, टैम्स और टॉम्स। तो देखिए फोनेटिक्स इसका क्या बनेगा, टैम्स की अपन बात करें तो देखिए टैम्स, टैम्स, टेम्स, सॉरी टैम्स, ठीक है टेम्स, और टॉम्स, टॉम्स, सॉरी इसके अंदर ओ दूसरा रहेगा, टॉम्स, ठीक है, टॉम्स लिखोगे ना कि थॉम्स लिखोगे। फिर ईडी है ना, स्टेप्ड, नॉट ए स्टेप्ड, क्या लिखोगे आप, स्टेप्ड, क्या लिखेंगे, स्टेप्ड, स्टेप्ड नॉट ए स्टेप्ड ध्यान रखना, क्रोस्ड बढ़ते आए हैं इसको अपने आज तक, है ना, तो क्रोस्ड है क्या ये, क्रोस्ड, देखिए क र ओ फिर स और फिट, क्रोस्ड यही है, एक एक को आप फिट कर दो, तो क के लिए क, ठीक है छोटे वाला क, फिर र है आर लगा दो, ओ है क्रो, फिर एस है स, और टी के लिए ट, क्रोस्ट नोट ए क्रोस्ड, ठीक है क्रॉस्ट। और उसके बाद में लास्ट आता है पी टी, अच्छा इसे अपन रिसिप्ट पढ़ते हैं, है ना, तो ये रिसिप्ट न होकर क्या है, रिसीट है,
क्या है ये? रिसीट, री-सी बड़े वाला ई आएगा, रिसीट, रिसीट नॉट ए रिसिप्ट, क्लियर? रिसीट, गिव मी ए रिसीट नॉट ए रिसिप्ट, क्लियर? तो ये अपन कौन कौन से अपन देखें, प ब और ट, डी है और डी साउंड किसका देता है, डग, और के कै का, के साउंड कै का और डी जो है वो डग का साउंड देता है। अब देखिए डी कौन कौन से डी, डी 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 और अकेला डी, ये ड का साउंड देते हैं। अब देखिए डी ए वाई फोनेटिक इसका डिफथोंग है डे, यानी कि डे और ए, ए डे, ठीक है, डिफथोंग है, तो डिफथोंग के लिए ए के लिए अपन यूज किसका करते हैं, ई आएगा, और डे है तो क्या हो जाएगा, डे, डे। फिर आता है अडॉप्ट, क्या शब्द है, अडॉप्ट, अडॉप्ट ए हो गया, फिर क्या है ड, फिर ओ है एडो, फिर प और ट अडॉप्ट, ये लो जी अडॉप्ट, क्लियर। फिर आता है लैडर, लैडर नॉट ए लेडर या लैडर, लैडर ले और ड और अ, लैडर, क्लियर। सडन, अब देखो यू किसका साउंड दे रहा है, ए का साउंड दे रहा है, तो स ए और फिर ड और फिर ने, सडन। देखो स के लिए क्या लगा दोगे आप, एस, यू ए का साउंड दे रहा है तो रिवर बी, स ड ये लीजिए डी, अन सडन ये लो, क्लियर। फिर के कीप, क्या शब्द है, कीप, कीप कैसे लिखते हैं, कीप यही है, आर साइलेंट रहेगा, कीप यानी कि क्या है, बड़ी ई की मात्रा है की और प, ठीक है, कीप। स्पीक, ठीक है, स कैसे लिखोगे आप, स्पीक तो स है, प है, बड़ी ई की मात्रा है, स्पी, फिर क, स्पीक, क्लियर है। फिर नेक्स्ट वर्ड क्या है, सॉक, सॉक, ओ डिप्थोंग है तो सॉक, ये हो जाएगा सॉक। फिर क्या कह रहा है, सी, सी भी किसका साउंड देता है, क का, ठीक है। अब देखो वॉल साउंड के अंदर अपने बात की थी, ए फॉर एप्पल, यदि बड़ी ए की साउंड दे रहा है ना, तो सिंबल अपन क्या लगाएंगे, रिवर सिक्स के साथ ई जुड़ा हुआ है ना, तो कैप, कैप यही लिखते हैं ना, कैप, तो कै और ए और प, कैप। एक्ट, ठीक है, एक्ट, ए फॉर एप्पल साउंड किसका दे रहा है, ए का, तो क्या आ जाएगा, रिवर सिक्स, कै और ट, एक्ट, क्लियर। पैनिक, क्या वर्ड है, पैनिक, पैनिक देखो पै नी और क, पैनिक, ठीक है, लिख लो आप लिखना चाहोगे तो, पै नी क देखो पैनिक। उसके बाद में आता है सी एच बी क का साउंड देता है, केमिस्ट, केमिस्ट सॉरी क्या बोलेंगे, केमिस्ट, केमिस्ट, ठीक है, केमिस्ट। फिर आता है स्टमक, नॉट ए स्टोमच, स्टमक, तो स्टमक के लिए क्या हो जाएगा, स ट स्ट और मैं और क, स्टमक, क्लियर है। फोनेटिक क्या हो जाएगा, स्टमक नॉट ए स्टोमैक या स्टोमैच जो भी बोलते हो। ए का साउंड देना चाहो तो आप दे सकते हो यहां यूं लिख के स्टमक, क्लियर है। फिर सी सी भी किसका साउंड देता है, कै का साउंड देता है, तो सी सी जब कै का साउंड देगा तो इसका प्रोनंसिएशन क्या होगा, अकेजन, क्या होगा, अके ए
के डिफथोंग है, ध्यान रखना। अकेजन, एस जय का साउंड दे रहा है, आगे चर्चा करेंगे अपन। अकेजन क्लियर। एकॉस्ट, क्या वर्ड है? एकॉस्ट है ना, एकॉस्ट, एकॉस्ट हिंदी में लिख ले है ना। फिर उसके बाद में क्यू और यू, क्यू यू किसका साउंड देता है? कै का, तो क्या आएगा? क्वाइट, क्या वर्ड है? क्वाइट, देखिए कै वा, ठीक है वा तो नहीं है, कै व आई और ट, क्वाइट यही है, क्वाइट है ना। तो देखिए क के लिए क्या लिखा आपने? की वाई डब्ल्यू ए और आई, क्वाई और फिर ट, क्वाइट, क्वाइट हिंदी में लिख लो है ना। सीक्वेंस वर्ड क्या है? सीक्वेंस, तो सीक्वेंस को कैसे लिखोगे आप हिंदी में अपने लिखे तो? सीक्वेंस यही होगा है ना, सीक्वेंस। और सीक्वेंस का जब आप ट्रांसलेट करोगे तो क्या करोगे? एस और बड़ी ई है, आई और इसके साथ ई, सी, फिर क्या आ रहा है? क, ठीक है, फिर वेंस आ रहा है, सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस, तो ये डब्ल्यू और एन एस, सीक्वेंस, सीक्वेंस क्लियर है? सीक्वेंस नहीं बोलोगे, सीक्वेंस बोल दिया। देखो ऊपर अपर टीथ जो है लोअर टीथ को जब टच करेंगे तो वी का साउंड आता है ना, सीक्वेंस, सीक्वेंस, सीक्वेंस नहीं, ठीक है। उसके बाद में सी के, सी के भी साउंड किसका देता है? के का। तो अपने पास क्या है? पॉकेट, क्या है? पॉकेट, तो पॉकेट, पॉकेट प्रोनंसिएशन है या पॉकेट बताएं जरा? पॉकेट नॉट ए पॉकेट, पॉकेट प्रोनंसिएशन पॉकेट, ये पॉकेट, पॉकेट क्लियर। लक, देखो सी के यहां दे रखे ना, सी के और यहां भी सी के, तो लक। अब लक की जब अपन यहां बात करें, देखो ये है ल और ए और फिर क है ना, तो एल जो है ये ल का साउंड दे रहा है, यू जो है वो ए का साउंड दे रहा है, तो क्या आ जाएगा? ल और फिर क, लक क्लियर। सिक, सिक क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा सिक, छोटी मात्रा आती है ना स पे, सिक, ठीक है। तो कौन कौन से हैं? ड और क, ड में ड अकेला है और डेड डी डी है, और के अंदर के कै का साउंड देता है, सी सी एच और सी सी है ना, और क्यू यू और सी के, ये सभी किसके साउंड देते हैं? क के देते हैं, क्लियर। अब देखिए ग जी है ना, और एक टी, टी और एंटीग्रेशन दिया हुआ है, टी और एंटीग्रेशन साउंड किसका देते हैं? च का, ठीक है। इस प्रकार से लंबा ये रहेगा जो श का साउंड रहता है, ठीक है। अब देखिएगा कि ग ग जी 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 और जी एच, ध्यान रखना इसका थोड़ा सा, क्योंकि अपन क्या करते हैं कि जी दिया गया तो गै और जी एच दे दिया तो घ है ना, तो प्रोनंसिएशन जो है वो बिगड़ जाएगा, ध्यान रखना। तो जी एच भी ग का साउंड दे रहा है, जी जी भी ग का साउंड दे रहा है और जी भी ग का साउंड दे रहा है, क्लियर है। अब देखिए यहां जी दे रखा है, यहां जी है, यहां जी है, जी 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 जी, ठीक है, जी एच और गास्टली, जी एच आएगा यहां गास्टली में, ठीक है, जी एच क्लियर है। अब देखिए जब अपन प्रोनंसिएशन की बात करें फर्स्ट की, तो फर्स्ट का जो फोनेटिक बनेगा ना हिंदी के अंदर आप लिखोगे तो गैप प्लस ओ प्लस ल, ये है गोल है ना, इसका बिगिन ब प्लस छोटी ई फिर ग फिर छोटी ई और न, बिगिन 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 नहीं, बिगिन प्रोनंसिएशन है ना। फॉग यानी कि फॉग, फॉग, अब यहां थोड़ा सा ध्यान में रख देना, फॉग फॉग ओ फॉग, ठीक है, और ये गोल गोल
ये भी ओ का साउंड है और ये भी ओ का साउंड है, वो शॉर्ट में बोल रहे हैं अपने फॉग, ठीक है फॉग। और ये गोल ओ साउंड जो है वो डिफथोंग जा रही है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा गोल। क्लियर। बिगिन, बिगिन के लिए ब है, ई, फिर ग, फिर आई और एन, बिगिन, ये फोनेटिक हो जाएगा बिगिन। फॉग तो क्या हो जाएगा फ, ओ का साउंड और जी, फॉग, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा बैगर, नोट ए बैगर, बैगर जो भी प्रोनाउंसिएशन होता है, बैगर नहीं है बैगर, रेजिड, रेजिड बैगर, तो बैग ध्यान रखना, बैग रेजिड, तो रेजिड ध्यान रखना, रेजिड, रेड नहीं है ये वर्ड, या जो भी आप इसका प्रोनाउंसिएशन करते हो, रेजिड। अब देखो इस पे थोड़ा सा ध्यान देना, इसको ना घोस्ट पढ़ते हैं अपन, प्रोनाउंसिएशन इसका क्या करते हैं घोस्ट, नोट ए घोस्ट, गोस्ट, गोस्ट, प्रोनाउंसिएशन क्या है इसका गोस्ट, डिफथोंग है ग ओ, ये वाला ओ गो और सर्ट, गोस्ट, ठीक है गोस्ट, नोट ए घोस्ट। ये गास्टली, प्रोनाउंसिएशन इसका क्या होगा गास्टली, गा, देखो गै प्लस आ प्लस सै प्लस टै प्लस ई, गास्टली है ना, तो ग के लिए क्या लगा दोगे जी आ, ये लो जी आ का साउंड गा, फिर सै, फिर टै, एल और आई, गास्टली। क्लियर। फिर आता च है ना, च, च और च सी एच है, टी सी एच है, और यहां थोड़ा ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, टी आई ओ एन और इसके साथ एस दिया हुआ है, यानी कि एस टी आई ओ एन, और एस टी आई ओ एन है ना वो चे का साउंड देता है। क्लियर है। यदि अपन यहां बात करें नेशन की, नेशन की, तो नेशन के अंदर आप देखोगे एन ए टी आई ओ एन है, तो ये भी टी आई ओ एन है और यहां भी टी आई ओ एन है। क्लियर है। यहां एस है इसके साथ और यहां इसके साथ क्या है ए है, ठीक है। यदि ए है तो च है, सॉरी एस है तो च है, ए है तो ये किसका साउंड देगा श का, ये बात ध्यान में रखना, एस लगते ही च बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद में टी यू आर ई च का साउंड देगा, टी यू आर ई, देखो टी यू आर ई, ये रहा टी यू आर ई, इसमें नेचर टी यू आर ई, देखो एस टी आई ओ एन, एस टी आई ओ एन, चन, ठीक है। और पिक्चर नेचर, अब देखिए सबसे पहले अपन फनेटिक बनाते हैं चीक का, तो चीक बड़ी ई है तो ये तो च हो गया, और इसके साथ आप लगा दीजिएगा बड़ी आई, चीक। क्लियर। टीचर है ना, कैसे लिखते हो टीचर हिंदी के अंदर, टीचर यही है, यानी कि ट और बड़ी ई, टी च और ये लो अ, टीचर। टी सी एच कैच, टी सी एच क्या है कैच, तो कैच का क्या होगा कैच, कैच ये हो जाएगा कैच। क्लियर। क्वेश्चन, प्रोनाउंसिएशन क्या है इसका क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन। और क्वेश्चन के लिए अपन क्या करेंगे क व, क्व, ठीक है। क्वेश्चन, क्वेश और ये चन हो गया जी, ये क्वेश्चन फोनेटिक सिंबल हो गया क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन, सजेशन क्या है सजेशन, स जेस और चन, सजेशन। अब देखिए ये क्वेश्चन नहीं है, है ना, क्वेश्चन बोलोगे गलत हो जाएगा, क्वेश्चन, इसे शायद सजेशन वगैरह जो भी प्रोनाउंसिएशन करते हो वो नहीं है, सजेशन। क्लियर। अब देखिए
इसका अपने लिखा था, इसमें तो क्या था ए एस टी आई ओ एन था और यहां क्या था एन ए टी आई ओ एन, यानी कि यहां टी आई ओ एन के साथ क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, तो शे का साउंड देगा, तो इसका फोनेटिक जो होगा ना वो नेशन होगा। फोनेटिक सिंबल क्या होगा, नेशन, नेचन मत बोल देना बाप इसे, नेचन नहीं है ये नेशन है, एस लगती है च का साउंड दे देता है नेशन। पिक्चर, ठीक है, आप पिक्चर का बनाइएगा, आप क्या बनाओगे पिक्चर और नेचर का, पिक्चर पिक्चर है ना, फिर नेचर नेचर नॉट ए नेचर नेचर, ठीक है, डिफ्थोंग है नेम, नेचर नॉट ए नेचर, ध्यान रखना। ग इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट तो जी एच वाला है, इसका प्रोनाउंसिएशन घ नहीं करोगे आप, ठीक है, यू नहीं लिखोगे गोस्ट, ये गलत है ना, क्या है ये गोस्ट है, गोस्ट, ठीक है, एक तो ये ध्यान में रखना है और एक एस टी आई यू एन का ध्यान में रखना है कि ये च का साउंड देता है, क्लियर। अब देखिए ज डी और थ्री, तीन प्रकार के ज की अपन चर्चा करेंगे, डी थ्री है, अकेला थ्री है और जेड है, ये तीनों ज का साउंड देते हैं, क्या फर्क है इनका, चर्चा करेंगे अपन बिल्कुल। अब देखिए डी थ्री जो साउंड है ना ज ज ज का जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं ना अपन ज का, तो हमारे जो टिथ है ना, टिथ की बैक साइड और जो हार्ट प्लेट जो है ना, यानी कि अगला हिस्सा जो है दांतों का बैक साइड जो है उससे थोड़ा ऊपर, हार्ट प्लेट जिसको बोलते हैं, वहां जो हमारी टंग जो है ना, टंग का जो फ्रंट है उसको अपन थोड़ा स्ट्रेस दे के बोलते हैं, साथ लगा के, है ना, ज ज, ठीक है। अब ये जो ज का साउंड जो है, ज बोल के देख लीजिए, ज ज ऊपर जाएगा, ज ये ज का साउंड डी थ्री आप कब यूज करोगे, क्योंकि ये बड़ी समस्या रहती है कि डी थ्री कहाँ आएगा, थ्री कहाँ आएगा और जेड कहाँ आएगा, तो देखिएगा आप डी थ्री का यूज कब करोगे, जब जे जी डी जी डी आई और डी जे ये लेटर जब जे का साउंड देंगे तब आप डी थ्री का यूज करोगे। कौन कौन से हैं, जे है, जी है, डी जी है, जी जी है, डी आई है और डी जे है, ये लेटर्स जे का साउंड देंगे। अब देखिए यदि अपनी यहां बात करें जोई, क्या है जोई, अब यहां इस जोई की बात करें तो जे जो है ये किसका साउंड दे रहा है, जे का, तो जोई है ना, जे प्लस ओई जोई, यही है, तो क्या करोगे आप डी थ्री जे ओई उल्टा सी और आई जोई, क्लियर है। इंजोर क्या वर्ड है अपना, इंजोर इंजोर, तो क्या करोगे आई एन इन ये जे क्या डी थ्री इंजोर, क्लियर। अब देखो जर्म जर्म है ना, जर्म सॉरी जर्म प्रोनाउंसिएशन है इसका, जर्म जर्म यानी कि जे अ र म आर, और इसको आप लिखोगे भी ना तो जर्म यू लिखते हैं शायद हिंदी के अंदर इसे, है ना, रेफ वाला, तो जे और अर का साउंड है तो थ्री और विसर्ग और मैं जर्म, अच्छा उसको क्या प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं अपन, इंजन नॉट ए इंजन, क्या होगा एंजिन एंजिन, तो एन जिन, ये फनेटिक होगा एंजिन, क्योंकि जी जो है वो जो का साउंड दे रहा है, एंजिन वर्ड है ये, इंजन वर्ड नहीं बोलोगे आप एंजिन। फिर आता है करिज, क्या है करिज क्रिज सॉरी कैरिज क्या री और जो कैरिज, ध्यान रखना, ठीक है। फिर डी और जी, देखो डी जी यहां दे रखा है, यहां भी क्या दे रखा है डी जी, यहां भी क्या दे रखा है डी जी, यानी कि ये डी जी साउंड किसका दे रहा है, यहां ज का दे रहा है, क्लियर है।
फिर इसका जब अपन प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो बजट, बजट, बजट नहीं है, यू ए का साउंड दे रहे, आपको पता है उल्टा वी लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, ब जे के लिए डी थ्री आई ओ टी बजट, क्लियर है। उसके बाद में नेक्स्ट बजट के बाद में अपना था ले जो, क्या है ये ले है ये लो, जो के लिए डी थ्री ले जो, बिल्कुल सिंपल। फिर लॉज क्या है, लॉज, लॉज का बना दीजिएगा लॉज, देखो एल है ओ ओ का साउंड दे रहे ओ और डी थ्री लॉज, क्लियर। फिर आता है जी जी, देखिए जी जी, और यहां भी क्या है जी जी है, सजेस्ट है ना, सजेस्ट का बनाइएगा क्या होगा, सजेस्ट स और ये ज, सजेस्ट होगा, सजेस्ट ये होना चाहिए, थोड़ा चेक कर लेता हूं मैं, सजेस्ट सही है सजेस्ट। फिर डी आई सोल्जर, देखिए डी आई है ना, डी आई, डी आई किसका साउंड देगा, ज का, तो सोल्ज सोल्ज, डिप्थोंग है ये ओ का ध्यान रखना, सोल्ज देखिए सोल और फिर ज सोल्ज, ठीक है सोल्ज। उसके बाद में यहां ध्यान रखना, इसको आप एडजर्न नहीं पढ़ोगे और उसे आप एडजस्ट नहीं पढ़ोगे, मोस्टली बोलते हैं लोग, क्योंकि समस्या आ जाती है, समस्या क्या आ जाती है कि हमारे पास वर्ड जो है ना ये है एस टी यू डी ई एन टी। अब देखिए इसकी जब अपन बात करते हैं तो लोग इसका प्रोनाउंसिएशन है वो कोई तो करता है स्टूडेंट स्टूडेंट, कुछ बोलते हैं स्टूडेंट और कुछ बोलेंगे स्टूडेंट है ना। तो जब जितने अपन नए टीचर मिलते जाएंगे वो उसका नया प्रोनाउंसिएशन बताते जाएंगे, तो समस्या ये आती है कि असल में है क्या, तो ये ना तो भाई स्टूडेंट है ना ये स्टूडेंट है ना ये स्टूडेंट है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या, स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट फोनेटिक बनाएंगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट स्टूडेंट, नॉट ए स्टूडेंट या जो भी। तो इसी प्रकार डी और जे है ना, और भी देख लीजिएगा जैसे ए डी जे ये वाला है ना, ए डी जे, ये देखो डी और जे, डी और जे। अब प्रोनाउंसिएशन इसका क्या करते हैं, एडजेक्टिव, क्या करते हैं एडजेक्टिव, नोट ए एडजेक्टिव, अरे भाई इसका प्रोनाउंसिएशन एडजेक्टिव है नोट ए एडजेक्टिव, क्लियर। अब देखिए इसको अब एडजॉर्न नहीं पढ़ोगे, एडजॉर्न एडजस्ट एडजस्ट, क्योंकि ये डीजे जो है ये डीजे जो है ये तो जे का साउंड दे रहा है ना, और ये ए है आपका और ये भी ए है, एडजस्ट है ना, तो और एडजर्न, तो फोनेटिक जब आप इसका बनाएंगे तो अजर्न क्या हो जाएगा, अजर्न ध्यान रखना अजर्न, ठीक है अजर्न अजर्न, क्लियर। उसका है एडजस्ट का बना दीजिएगा आप एडजस्ट, क्या हो जाएगा एडजस्ट, ये हो जाएगा एडजस्ट, एग्जॉस्ट एडजस्ट ये नहीं है इसके प्रोनाउंसिएशन, ठीक है एडजस्ट एडजेक्टिव, ठीक है एडजेक्टिव। तो ये जो है ये ज का साउंड है, क्लियर। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।